नागपुर में सांसद कप के दौरान अनेक स्पर्धाओं का आयोजन किया गया और सांसद कप में चंद्रपुर के पहलवानों ने जिले का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में किस पहलवानों ने बाजी मारी, देखते इस खबर में। कुश्ती के खेल के प्रति चंद्रपुर के पालक अभिभावकों का रुझान बढ़ता जा रहा है। इस बीच प्रशिक्षण प्राप्त कुश्ती खिलाड़ी भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। श्री जगन गुरु व्यायाम शाला चंद्रपुर के माध्यम से तैयार हुए कुश्ती खिलाड़ी शहर एवं जिले की सीमाओं को लांघते हुए नागपुर जैसे शहरों में आयोजित स्पर्धाओं में अपना परचम लहरा रहे हैं। नागपुर में हाल ही में हुई सांसद ट्रॉफी चंद्रपुर के श्री जगन गुरु व्यायामशाला के 6 कुश्ती खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वही 4 खिलाड़ी रजत पदक के मानकरी साबित हुए। 65 किलो वजन समूह में 1 कुश्तीपटु ने कांस्य पदक प्राप्त कर इस स्पर्धा में चंद्रपुर का परचम लहराया है। कुल मिलाकर नागपुर में हुई सांसद ट्रॉफी कुश्ती स्पर्धा में चंद्रपुर के 11 कुश्ती खिलाड़ियों ने प्रशिक्षक धर्मशील काटकर के मार्गदर्शन में कई खिलाड़ियों को धूल चटाई है। दरअसल मिट्टी से जुड़े खेलों के प्रति मोबाइल और इंटरनेट की इस दुनिया में नई का रुझान कम होता दिखाई दे रहा था। चिंता की इस बात को लेकर कुश्ती जगत नाराज था, परंतु लंबे समय से चंद्रपुर के होनहार खिलाड़ियों को तराश कर कुश्ती के मैट पर निखारने वाले श्री जगन गुरु व्यायामशाला ने पालक अभिभावकों की चिंता को दूर करते हुए कुश्ती के माहौल को फिर एक बार मैदान में लाया है। नागपुर में हुई सांसद ट्रॉफी कुश्ती स्पर्धा में 42 किलो वजन समूह में सुजल झुनझुनकर, 46 किलो वजन समूह में नसीमुद्दीन खान, 50 किलो वजन समूह में निखिल लक्ष्य ने, 54 किलो वजन समूह में परिमल राउत, 61 किलो वजन समूह में हितेश सोनम ने और 63 किलो वजन समूह में संपदा आबोजवार ने स्वर्ण पदक प्राप्त कर सभी को चकित कर दिया है। नकुल राउत, रोहित गौरकार आदि ने रजत पदक प्राप्त किया है। वही खुले वजन समूह में अश्विन खनके, अक्षया भुतकुरी आदि ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। कांस्य पदक प्राप्त कर पलाश नागरकर ने 65 किलो वजन समूह में अपना लोहा मनवाया है। चंद्रपुर के कुश्ती जगत में जाना माना नाम और कुश्ती को नव संजीवनी देने वाले प्रशिक्षक धर्मशील काटकर ने इस सफलता को लेकर सीटीवी से बातचीत में क्या कहा, सुनिए स्वयं उन्हीं की जुबानी। सीटीवी के लिए मुकेश वालके की खास रिपोर्ट। 17-20 मे 2022 रोजी खासदार चषक कुस्ती स्पर्धा नागपूर येथे आयोजित करण्यात आली होती। या स्पर्धेमध्ये जगनगुरु व्यायामशाळा चंद्रपूरने 6 सुवर्ण पदक, 4 रौप्य पदक व 1 कांस्य पदक मिळवून अतिशय सुंदर अशी कामगिरी केलेली आहे। पहिले चंद्रपुरामध्ये कुस्तीला तेवढा बघण्याचा, चंद्रपुरातील जनतेचा बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होता, पण आता मोठ्या प्रमाणात याच्यामध्ये खूप मोठा फरक पडलेला आहे। मुलींपासून सर्वजण कुस्तीकडे वळत आहेत आणि आता जो काही इथं प्रशिक्षण शिबिराचा प्रशिक्षण शिबिर चालू आहे त्याच्यामध्ये नियमितपणे 100 च्या वर विद्यार्थी यामध्ये सहभागी आहेत।